नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद थम नहीं रहा है। अब सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। वहीं फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने सरकार के नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उधर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच फेसबुक और ट्विटर बंद होने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल एक लंबे समय से देश में सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में 3 महीने पहले 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम जारी किए थे। इन नियमों के बाद से दोनों पक्षों में तकरार बढ़ गई। उधर सरकार ने नए डिजिटल नियमों को पूरी निष्ठा के साथ बचाव करते हुए कहा कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है और व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जारी बयान में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है। तो सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए आईटी नियमों को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा खूब हो रही है कि नए आईटी नियमों के नहीं मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हो सकते हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर दोनों पक्षों में विवाद क्या चल रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद क्या है। दरअसल सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद नए आईटी नियमों की वजह से शुरू हुआ है, जिन्हें भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना अब जरूरी होगा नए आईटी नियम के तहत, जिस पर सोशल मीडिया कंपनी आपत्ति जता रही है। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों का समय सीमा जो है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को अब सरकार की तरफ से कह दिया गया है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद क्या है। नए आईटी नियमों का हालांकि सरकार लगातार बचाव कर रही है और सरकार का ये कहना है कि इसमें किसी प्रकार की निजता का हनन नहीं होता। सरकार का कहना है कि बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है, तो ऐसे में ये कहना गलत है कि हम निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। नए आईटी के जो ये नियम हैं, इनकी घोषणा 25 फरवरी को ही कर दी गई थी और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनको लेकर ये पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी और इसे लागू करने के लिए 3 महीने का समय 25 फरवरी को ही दे दिया गया था। पर सरकार ने अब नोटिस जारी किया है कि आपने अभी तक इन नियमों को लागू क्यों नहीं किया। उसके बाद से ही इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। वहीं इस पूरे मसले पर और नए आईटी नियमों पर व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो प्रभावित होगी, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार का जो ये मौलिक स्वरूप है उसको भी ये नया जो नियम है वो कमजोर कर देगा। ये व्हाट्सएप का दलील इसे कह लीजिए या व्हाट्सएप की चिंता इसे कह लीजिए, और इसी चिंता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी व्हाट्सएप ने किया है। नए नियमों के तहत व्हाट्सएप को यूजर्स के सभी मैसेजेस को ट्रेस करना होगा और ऐसा करने से लोगों का व्हाट्सएप से भरोसा उठ जाएगा, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हर मैसेज को ट्रैक किया जाएगा तो इस तरह के जो मैसेंजर होते हैं उन पर लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। नए आईटी नियमों से आम लोगों को क्या नुकसान होगा ये भी हम आपको बता दें। नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप को सभी मैसेजेस को ट्रेस करना होगा और यूजर्स के
सभी प्राइवेट मैसेजेस का हिसाब कंपनी के पास रहेगा, जो यूजर्स के लिए भी एक चिंता की बात है कि अगर सभी उनके प्राइवेट मैसेज कंपनी के पास रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके निजता के अधिकार का यहां हनन हो रहा है। अगर कंपनियां नए नियमों को नहीं मानती हैं तो उन पर मौजूदा आईटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा साफ कहा गया है। नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप अब कोर्ट पहुंच गई है। व्हाट्सएप ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है, लेकिन गूगल और फेसबुक का कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये सांत्वना दी है, ये आश्वासन दिया है कि हम इन नए नियमों के तहत चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम ट्विटर की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए और 6 महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ऐप ने सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच क्या विवाद है, ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी। तो केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए आईटी नियमों को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए भारत सरकार ने नए आईटी नियम बनाए हैं जो 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। इस पर साइबर एक्सपर्ट की राय भी आप सुनिए। चाइल्ड अब्यूज एंड अदर थिंग्स, सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट अपीयर्स दैट व्हाट्सएप हैज गॉन ओवरबोर्ड एंड व्हाट्सएप हैज फाइल्ड द केस in a hurry. If we refer to these intermediary rules, there is a specific clause which says that these intermediaries will not be required to disclose the message itself. The condition is to identify the originator of a particular message. So that message is already with the authorities. The only thing is there has to be an identification of the first originator of that kind of message. And this appears to be quite reasonable. This is not violative of any of the policies of WhatsApp or any of the privacy laws. ये कहना कि नए आईटी रूल्स आपकी निजता के अधिकार का हनन करेंगे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, क्योंकि उसका कारण यह है हम सबके पास अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। लेकिन ये निजता का अधिकार केवल हमसे छीना जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब आईटी रूल्स 2021 जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, वो कहते हैं कि अगर कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में सरकारी एजेंसीज को जानने की जरूरत हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किसने ओरिजिनेट किया है, तो वो या तो कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से ऑर्डर ला के दिशा निर्देश दे सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप हमें बताइए। अब ये दिशा निर्देश या कोर्ट का ऑर्डर तभी आ सकता है जब कोर्ट या अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो कि ये पास ऑर्डर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को इम्पैक्ट करता है, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी, या टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस ग्राउंड्स के संदर्भ में आता है। व्हाट्सएप का ये कहना कि हर मैसेज का फिंगरप्रिंट रखा जाए, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है, ये भी एक मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं तो इतना ही मानता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है विद अ ड्यू कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ द सिटीजन्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन द कंट्री, द लॉ मस्ट प्रिवेल। जस्ट लाइक इन द ग्लोबल वर्ल्ड, अगर आपको चाइना में जाना है तो आपको वहाँ की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको अपने फायरवॉल को अंदर आपको एंट्री करानी है, अदरवाइज यू कैन नॉट बी सर्विंग। अमेरिका में आपको दुबई में जाना है तो आपकी व्हाट्सएप वॉइस नहीं चलेगी, तो नहीं चलती है। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। पूरे वर्ल्ड में हम जानते हैं कि उस देश का लॉ को फॉलो करना होता है। इंडिया में भी अपना एक सिस्टम है, लॉ है, उसको फॉलो करना है, और उसको हम किसी चीज़ के पीछे हम अपने आप को कवर करके उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज़ लड़ाई जा सकती है अगेंस्ट द लॉ, विच इज़ ए सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर उस पर कहीं किसी तरीके का सिटीजन का राइट बनता है तो सिटीजन कैन फाइट दैट। प्राइवेट कंपनीज हैव नो लोकस टू फाइट That kind. देखिए, व्हाट्सएप जो सबसे पहले कह रहा है कि अगर हमें हर डिवाइस का फिंगरप्रिंट चाहिए होगा, किसने फॉरवर्ड किया, किसने इसको मैसेज को क्रिएट किया और कहां से ये फॉरवर्ड हुआ, इसको करने के लिए आपको जो व्हाट्सएप की जो बेसिक पॉलिसी है टू एंड इनक्रिप्शन वाली, वो ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी आपको उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। तो उसको अगर हम ख़त्म कर देते हैं, जो बेसिक पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप है, जिसके ऊपर व्हाट्सएप पूरा चलता है, जो व्हाट्सएप का यूएसपी है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन है,
वो उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक यूएस कंपनी है, यूएस कंपनी के होने के बावजूद हमारा जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट कहता है वो ये कहता है कि आप एक अगर इंटरमीडिएटरी हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कोई कंटेंट नहीं बना रहा, ट्विटर कोई कंटेंट नहीं बना रहा, फेसबुक कोई कंटेंट नहीं बना रहा, ये सब इंटरमीडिएटरी हैं। और ये जो नए लॉज आ रहे हैं, जो नए सेक्शंस गवर्नमेंट के आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अगर आप इंटरमीडिएटरी हैं तो आपको कुछ एस्पेक्ट्स अपनी कंपनी के अंदर बनाने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पर व्हाट्सएप बना नहीं पा रहा है, व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज करना चाहता है और इंडियन लॉ को वो फॉलो नहीं करके वो यूएस लॉ। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने किसी संदेश मूल स्रोत की जानकारी देने के आदेश को अपने यूजर्स के निजता के अधिकार का हनन बताते हुए सरकार के दिशा निर्देशों को चुनौती दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने इसे नियमों को लागू होने से रोकने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास बताया है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आज की केंद्र सरकार चाहती है कि इन सब चीजों का जो इस्तेमाल है, इनकी भाजपा की आइडियोलॉजी और इनकी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो, और कोई आदमी अगर इसका इस्तेमाल अपनी बात रखने के लिए करे तो उसको किसी न किसी तरीके से दबाया जा सके, लोगों के ऊपर जासूसी रखी जा सके, चाहे वो जज हों, अफसर हों, बड़े वकील हों, राजनेता हों, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनकी जासूसी की जाए और उनके ऊपर दबाव बना के अपनी मनमर्जी के काम कराए जाए। इस कारण जो है केंद्र सरकार हर एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरीके से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये बहुत आम चीज है, जब भी किसी शासक को ऐसा गुरूर हो जाता है कि वो अब बहुत बड़ा जो है वो जो है उसके पास बहुत बड़ी सत्ता आ गई। आईटी के नए कानून फेसबुक व्हाट्सएप के बारे में जो नए रूल्स बने हैं निश्चित तौर से वो संविधान के खिलाफ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। मंत्री जी का ये कहना कि अगर किसी ने क्राइम किया है उसको सजा दिलाने के लिए ज़रूरी है, आज सबसे बड़ा क्राइम है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, क्या देश के अंदर कोई बोला है, उसकी जानकारी के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। निश्चित तौर से ये नए रूल्स देश के लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। निजता के आधार के साथ ताल्लुक रखता है जो मूलभूत अधिकार हैं। संविधान के स्टूडेंट के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार की नीति और सरकार का कानून आज व्हाट्सएप को अपने सोर्सेस को ट्रेस करने पर बाध्य करता है वो असंवैधानिक गैर ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कई फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं। वैसे भी इस तरह के कानून को लागू करने से ऐसे लगता है कि सरकार व्यक्तियों के हर कहने पर और कथनी पर अपनी नज़र रखना चाहती है, जो आज़ादी की परंपरा के विरुद्ध है, मैं उम्मीद करता हूँ। और अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, भरत सिसोदिया जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इनके अलावा डॉक्टर नेपाल सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। भरत सिसोदिया जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। सर, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है मैसेजिंग जो है व्हाट्सएप ने, अब सवाल ये है कि जिस तरह के नियम लागू करने के लिए कहा जा रहा है, क्या वाकई उन नियमों से यूजर्स के निजता के अधिकार का हनन होगा? भरत सिसोदिया जी, देखिए, यूजर के का जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका कितना वायलेशन होगा, इट इज लिटिल सब्जेक्टिव। जहां तक गवर्नमेंट के रूल्स का सवाल है, इस पे संदेह जाहिर करना इस स्टेज पर वाजिब नहीं है। रीजन बीइंग, गवर्नमेंट अगर कहती है कि इफ गवर्नमेंट के रूल्स ये कहते हैं कि सोर्सेस की सोर्सेस बताइए आप, है तो इसमें कोई ऐसा मतलब ना, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। आप
आप हमारा कंट्री है, वी हैव अ राइट टू मेक रूल्स। और देश में ऐसे बहुत से इश्यूज हैं इंटरनल सिक्योरिटीज के, तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई उसमें ऑब्जेक्शनेबल है या इलीगल है। आज फेसबुक और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इट इज एपी सेंटर ऑफ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज आई मस्ट से। बहुत से फेक अकाउंट्स होते हैं, बहुत सी फेक इंफॉर्मेशन होती है, बहुत फेक इंफॉर्मेशन इस पर सर्कुलेट होती है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी किसी का मॉर्फ पिक्स लगाकर कुछ भी कर सकता है। आजकल इट इज वेरी कॉमन कि लोगों के फेक अकाउंट्स बना करके उनसे इलीगल मनी डिमांड की जा रही है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, अगर गवर्नमेंट को चेक्स एंड कंट्रोल रखना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? रहा सवाल राइट टू प्राइवेसी का, दैट इज लिटिल सब्जेक्टिव, इट इज केस टू केस। एंड गवर्नमेंट कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी अननेसेसरी किसी अकाउंट की डिटेल मांगेगी, जहां उनको कोई डाउट होगा वही मांग सकती है। सेक्शन 79 जो प्रोटेक्ट करता है आईटी एक्ट का इंटरमीडिएटरीज को, अगर वो टाइम अगर इन्होंने कंप्लाई नहीं किया या गवर्नमेंट के साथ कोई इनका प्रॉपर आउटकम नहीं आता केस के थ्रू या इनके पर्सनल एंगेजमेंट के थ्रू, तो वो स्टेटस एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। डॉक्टर नेपाल सिंह, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सिंह, देखिए अभी बहुत बड़ा ये विवाद छिड़ चुका है, सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो सरकार के इस फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं। अभी कुछ जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो अग्री हो रहे हैं 6 महीने का समय, जैसे फेसबुक ने मांगा है, इंस्टाग्राम ने मांगा है कि इन नियमों को हम अभी और 6 महीने दीजिए, उसके बाद ही लागू कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने तो पूरी राह अलग पकड़ ली है। व्हाट्सएप जो एक प्लेटफॉर्म है, अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दे दी गई है, एक बहुत बड़ी बात कही है व्हाट्सएप की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हमें ये बोला गया है कि आप अपने यूजर्स के हर मैसेजेस पर नजर रखिए, उनका डेटा रखिए। तो उनका ये कहना है कि अगर हम इस तरह का कोई कदम उठाएंगे तो हमारे जो यूजर्स हैं वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप इसे ठीक मान रहे हैं सर? मैं ये कह भी दूं कि ठीक है, सरकार की मंशा अच्छी है, वो किसी तरह की सुरक्षा के लिहाज से रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन यूजर्स का क्या? पल्लवी जी, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस जैसे जिम्मेदार दल के द्वारा इतनी जल्दबाजी में सिलेक्ट करना उचित है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस महामारी में जब कोरोना के लिए हर आदमी तरस रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक ही उंगली लगाए बैठी है, जो है वैक्सीन, 3 दिन पहले मुझे एक मैसेज आता है कुछ व्हाट्सएप से जिसमें लिखा है कि नोबल लॉरेट सेड कि हु हैज जस्ट टेकन दिस योर वैक्सीन, दे विल डाई विद इन 2 ईयर्स। एवरीवन जस्ट बिकम पैनिक। तो इस चीज में इतनी ज्यादा चीजें की जा रही है जो कभी मानव के लिए बहुत घातक भी हो सकती है। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो वेरीफाई नहीं कर सकते, वो वैक्सीन लगाना बंद कर देंगे, और वैक्सीन लगाना बंद कर देंगे उनको यदि 1 महीना वैक्सीन डिले हो सकती है, उस 1 महीने में हिंदुस्तान में कितने करोड़ लोग मर सकते हैं। व्हाट्सएप इसको नहीं मानता, व्हाट्सएप इसलिए तो वो देखता है कि उसका कितना रुपया अर्न होगा, उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इसको ट्रैक करने में, लेकिन ये नहीं देखता कितने करोड़ लोग इस बीच में जा सकते हैं। सेकंड, पल्लवी जी, मेरा कहना है ज्यादा सोशल मीडिया के बाद में हर कंट्री को राइट है अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने का। नाउ ए डे सोशल मीडिया आर द डेथ वारंट टू द डेमोक्रेसी। आज कोई पार्टी राज नहीं करती किसी भी देश में, नॉर्थ भारत में, किसी भी देश में। सोशल मीडिया जिस देश में जिस पार्टी के खिलाफ जो भी कुछ करना चाहे वो 2 दिन के अंदर उस पार्टी को उठा सकती है, उस पार्टी को गिरा सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ठीक है, प्राइवेसी निजता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन निजता का सम्मान हमारे टेलीकॉम एक्ट में भी है। यदि हम उसका हनन करते हैं, किसी के गलत हम टैपिंग करते हैं, किसी का फोर्स कोर्ट करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें दूसरी एजेंसीज हैं, लेकिन उसके लिए ये खुले छोड़ देना कि उनकी जो मर्जी हो, जिस तरह वो चाहे, जिस तरह वो चीज दिखाना चाहे वो दिखा सके। मैं इसको मानता हूँ ये बिल्कुल भी निजता का अधिकार नहीं, ये अपने देश की सुरक्षा का मैटर रहेगा, और देश की सुरक्षा के मैटर पर हमको। अच्छा, लेकिन इस पूरे हम हालातों को जब देख रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से अब यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भारतवासियों को कि आपके निजता के अधिकार का हनन कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया अपनाना चाहती है सरकार, नहीं चाहती कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मैसेज अभी सर्कुलेट हो, इसलिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। अभी भी ये पूरा जो है ऑरा बनाने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर सिंह, तो ये कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए कि वो लोगों को समझा पाए, अपने भारतवासियों को समझा पाए कि हमारा ये कदम आपके निजता के अधिकार का हनन करने का नहीं है, बल्कि कोई और ही मकसद है इसका।
देखिए पल्लवी जी, हर सेंसिटिव नागरिक इस चीज को जानता है, और हमारे संविधान जो हमारे फाउंडर्स थे संविधान को लिखने वाले, उन लोगों ने बहुत ही इंटेलिजेंटली संविधान को बनाया है। हमारे यहाँ जुडिशियरी को एक इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी रखा गया है, वो सरकार की किसी भी चीज को चैलेंज कर सकती है। यदि कल कोई ऐसी घटना आती है जहाँ सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति नोट वट इवन सिंगल सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट एंड अप्रोच दिस। यहाँ मेरा जो प्राइवेसी का मेरा वो इंक्रोचमेंट हो रहा है मेरी प्राइवेसी, लेकिन उससे पहले ही हम ये चीज कहना शुरू कर दें, उसके ऊपर प्रबंध बनाना शुरू कर दें, और हम कोई लाइफ, और वैसे ये लॉ जो है बहुत सारी जगह डिबेट होने के बाद में कोर्ट के डायरेक्टिव आने के बाद में एक लॉ बनाया गया अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट ने खुद कहा सरकार को, आप अपने लॉ के साथ आइए, अपने नियमों के साथ आइए। इन नियमों यदि कोई परेशानी है तो कांग्रेस पहले सबसे पहले अपने कोर्ट में जाए, बजाय उसका वकील बनने के व्हाट्सएप या फेसबुक के, पहले अपने संवैधानिक मर्यादा के अंदर कोर्ट में जाए, साहब यहाँ ये अधिकार है और यहाँ सरकार को ये प्रावधान इस एक्ट में और करना चाहिए, ताकि इसमें किसी के प्राइवेसी एक्ट का प्राइवेसी का कोई हनन ना हो जाए। लेकिन वो तो एक स्पोक्स पर्सन ऑफ द व्हाट्सएप और स्पोक्स पर्सन ऑफ द फेसबुक के तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि गलत। बिल्कुल भरत सिसोदिया जी, एक बहुत अहम बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ये चलन बहुत ज्यादा चल गया है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की जानकारी प्रसारित की जाती है, और उनमें ज्यादातर जो जानकारी है वो भ्रमित करने वाली ही होती है। क्या इसे सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग माना जाए, और आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं सर, कि अब जो राजनीतिक दल हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग सोशल मीडिया का ही करते हैं अपने प्रतिद्वंदी की छवि को धूमिल करने के लिए? ऐसे जर्नली जब हम देखते हैं कि ऐसे फेक और भ्रामक वीडियोस आते हैं जी, जो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने के उद्देश्य से बनाए गए होते, सर्कुलेट होते हैं, और विद इन आवर इट इज सर्कुलेटेड इन इंटायर इंडिया, इवन इंटायर वर्ल्ड। तो ये एक वाकई चिंता का विषय है, एंड गवर्नमेंट मस्ट डील इट विद स्ट्रिक्टली। देयर हैज टू बी नो स्कोप फॉर एनी लीनियंसी। सर मैं आपका पूरा जवाब लूंगी भरत जी, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इस समय आ रही है अपने दर्शकों को, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम बता दें, ट्विटर के बयान पर अब भारत का भी पलटवार सामने आया है। ट्विटर कर रहा है अपनी शर्तें थोपने की कोशिश, ये जानकारी इस समय मिल रही है। भारत की तरफ से ये कहना है, भारत सरकार की तरफ से ये कहना है कि ट्विटर अपने नए नियम और शर्तों को थोपने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपी नहीं जा सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर भारत ने ये बयान दिया है, भारत सरकार की तरफ से ये अहम बयान इस समय सामने आया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये बयान दिया है कि सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें आप नहीं थोप सकते हैं, और यह आरोप लगाया गया है कि ट्विटर अपनी ही शर्तें लागू करवाने की कोशिश कर रहा है। ट्विटर के बयान पर भारत सरकार का पलटवार, ये बड़ा बयान दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि ट्विटर अपनी शर्तें थोपने की हम पर कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आप इस तरीके से अपनी शर्तों को नहीं थोप सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर भारत ने ये बयान दिया है, और आपको बता दें कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू है, ये भारत की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर अब ये बयान केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। आपको ये अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। कू एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत की तरफ से बनाया गया है, और इस पर भी कई बड़े राजनेता इस समय इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं, दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत सिसोदिया जी, आपका मैं पूरा जवाब लूंगी, उसके अलावा एक सवाल इसको भी लेकर कि ट्विटर पर ये आरोप अब लग रहे हैं कि वो अपनी नई शर्तें हम पर थोपने की कोशिश कर रहा है। नए आईटी नियम जो लागू करने के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, अब ट्विटर चाहता है कि उसमें उसकी शर्तें डाल दी जाएं। देखिए ये सब डायलॉग्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, ये रहेंगे जब तक इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक ये जितने भी सोशल मीडिया जायंट्स हैं ये गवर्नमेंट से एंगेजमेंट रखेंगे और अपना डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, इवन दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट कि दे विल दे नीड मोर टाइम टू एंगेज विद द गवर्नमेंट। तो ये सब एक प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जहां तक सवाल है, इंडियन एक सॉवरन गवर्नमेंट है, हमारा सॉवरन कंट्री है, हमें ये डिसाइड करना है कि क्या चीज हमारे लिए सही है। जहां तक ट्विटर का सवाल है, ट्विटर अपनी पोजीशन, एक इंपीरियल पोजीशन को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन देखिए ये सोशल मीडिया पर ये जितना भी इस तरह का
हम बैक टू आर डिस्कशन, सोशल मीडिया पर जितना भी ये फेक सर्कुलेशन हो रहा है, ये दिस इज वेरी वेरी सीरियस, कीपिंग इन व्यू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो पढ़े लिखे लोग हैं, या मैं कहूँगा जो समझदार लोग हैं या सेंसिटिव लोग हैं, वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं किसी भी मैसेज पर ट्रस्ट करने से पहले या उसको सर्कुलेट करने से पहले। बट एक आम जनता से कई बार ये उम्मीद नहीं की जाती, वो उस पर बिलीव कर लेते, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, इथोस के लिए एक एक खतरा है। हमारा देश एक दुनिया की महान डेमोक्रेसी है, तो अगर वहां की जनता किसी तरह से कैरिड अवे हो रही है इन फेक वीडियो से, फेक सर्कुलेशन से, ये एक चिंता का विषय है। गवर्नमेंट को इस चीज पे जरूर जरूर उनको अपना एक्शन लेना चाहिए, और आई थिंक बाय दीज रूल्स गवर्नमेंट ट्राइंग टू रेगुलेट ऑल दीज थिंग्स। और गवर्नमेंट ने इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाया है, जिसमें कि अगर जो एक किसी भी तरह की कोई शिकायत है, आप उनके ग्रीवेंस मैकेनिज्म में आप उनकी कंप्लेंट करेंगे, जो उनको डिसाइड करने पड़ेगी। बिल्कुल भरत सिसोदिया जी, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब ये जानकारी दी ही जा रही है कि आपके निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो अब कई लोग इसके खिलाफ याचिका डालने लगे हाईकोर्ट में, और क्या ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंचेगा जी, 100% विदाउट एनी डाउट। यानी कि ये विवाद आने वाले समय में, और ये इंटरनेशनल सोशल मीडिया कंपनी, ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर इनका प्रेजेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी ठीक है, डॉक्टर सिंह बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं। सर ट्विटर का जो अभी ये बयान आया, उसके बाद भारत ने भी पलटवार किया है कि ट्विटर अब अपनी ही शर्तें हम पर थोपने की कोशिश कर रहा है, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर इस तरीके से आप अपनी शर्तें नहीं थोप सकते हैं। देखिए पल्लवी जी, ये शुरुआत में एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है। ऑस्ट्रेलिया के केस में भी उन्होंने ऐसे किया था, ऑस्ट्रेलिया जैसे थोड़ा हार्ड हुआ विड्रॉ कर लिया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इनको, क्योंकि बस ऑस्ट्रेलिया में कोई अपोजिशन नहीं था इनको सपोर्ट करने के लिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अपोजिशन है सपोर्ट करने की, वो एक झूठी पॉपुलरिटी के लिए लोग इसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन आपको फिर बताता हूँ, मैं ऑफिसी एग्जाम से फिर दोबारा आता हूँ। मेरे साथ जो काम करने वाली जो महिला थी, जिसको मैंने तैयार किया, मैंने सिर्फ 1200 रुपये जमा कराए प्राइवेट अस्पताल में उसको कोविशील्ड लगवाने के लिए। लेकिन वो जैसे उसको खबर पता चली, वो अगले दिन आई ही नहीं कि मुझे वैक्सीन लगवा देंगे। अब देखिए ना, कितना बड़ा किसी की आप जानते खेल सकते हैं इस चक्कर में। तो मेरा ये मानना है, देखिए पहले सोवर्जिनिटी हमारे लिए जरूरी है, हमारे इंडिविजुअलिटी जरूरी है। इंडिविजुअलिटी में भी वो एक हाइपोथेटिकल जो है हमारे पास ये है कि साहब वो हमारी निजता का हनन हो जाएगा या वो सच में है। और वैसे भी हमारा लॉ जो है वो सबको बराबर की आजादी देता है, फेसबुक जाए, व्हाट्सएप चाहे भले वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, फिर भी देखें अप्रोच टू द कोर्ट एंड देखें कहते हैं हमारा इंटरेस्ट जो है हमको दबाया जा रहा है, जो माननीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है या पर्सनल निजता के खिलाफ है, तो वो जाए ना। लेकिन उससे पहले ये कहना कि हम नहीं मानेंगे, ये नहीं मानने का मतलब ये है कि वो दे वांट फुल लिबर्टी टू एक्सप्लोर एनीथिंग एल्स इन दिस कंट्री एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और बिजनेस के लिए हम अपनी सोवरेनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। मान रहे हैं सर कि अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो इन नए आईटी नियमों को जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। यदि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठे ना, उसमें कोई डायरेक्शन देंगे, जो कुछ इसमें चेंज करना हो चेंज किया जाएगा, बट कैसे स्टार्ट तो किया जाना चाहिए ना। बिल्कुल, व्हाट्सएप अब हाई कोर्ट पहुंच गई है, और जिस तरीके से अभी हमें बता रहे थे भरत सिसोदिया जी भी कि अगर हालात ऐसे रहे तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला जाएगा। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचता है या नहीं। फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।